बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे, छोटा बड़ा और बराबर। ठीक है, जैसे हम जानेंगे कि छोटा बड़ा और बराबर कैसे हम करेंगे। ठीक है, देखो नहीं बेटा आप उधर जाइए, उधर जाइए मैम से पढ़िए, जाओ क्लास वन वाले बच्चे जाओ। देखो ये कौन सा निशान है, पहले ये बड़ा का है, ठीक है, ये छोटा का है और ये बराबर का। ठीक है, पहले निशान समझ गए आप लोग, ये बड़े का है, ये छोटे का है और ये बराबर का। ठीक है, अब देखिए आप लोग वन वाले बच्चे आप लोग जाइए, राजा बाबू सूर्यांश ये देखो, मान लो कि ये लड्डू है, ठीक है, ये लड्डू है, तो इधर हमने चार लड्डू रख दिए, ठीक, और इधर हमने कितने रख दिए आप लोग इनकी दूरी बताओगे, इधर कितने लड्डू रख दिए, पांच, तो दोनों में कौन सा लड्डू बड़ा है, ज्यादा कौन सा है, पांच वाला ज्यादा है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई जानवर बैठा होगा या कोई भी बैठा है, मान लो मनीता ही यहाँ पे बीच में बैठी है, तो वो किधर मुंह खोलेगी, इधर मुंह खोलेगी ना, ये वाला खाने के लिए ना, तो मुंह कैसे खोलेगी, मान लो ये है तो ऐसे मुंह खोलेगी ना, ऐसे ऐसे मुंह खोलेगी ना इसको खाने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। ठीक है, इधर मुंह खुला है यानी कि ये इससे बड़ा है, आया समझ में। अब देखो अब बताओ राजा बाबू जाओ बेटा, आप बताओ शिवानी, आप बताओ बेटा, गिन के बताओ कि मुंह किधर खुलेगा और यहाँ पे खोल के दिखाओ। इसको भी गिनो, इसको नहीं गिनो, बराबर है, बराबर कैसे है, गिनो जरा, समझ में आ गया, तो कल जा दो, मन करो।